Hello guys, welcome back to our YouTube channel again. Hope so you all are doing well. So by not wasting a lot of time, let's move towards our next video. जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में देखे थे idioms और सब कुछ क्यू कार्ड हमने किस तरीके से बोलना है, इस वीडियो में भी हम क्यू कार्ड्स ही करेंगे, बट दैट क्यू कार्ड्स विल बी रिलेटेड टू हाउ टू डिस्क्राइब प्लेसेस। जैसे हमने पहले पर्सन वाले क्यू कार्ड्स को सेपरेट कर लिया था और अब हम प्लेसेस वाले क्यू कार्ड्स को सेपरेट कर लेंगे। सो सी, सबसे पहले आपको कुछ वोकैबुलरी वर्ड्स पता होने चाहिए जब भी कोई प्लेस वाला क्यू कार्ड आ जाता है उसको बोलने के लिए। फर्स्ट इज लिटिल नोन प्लेसेस, कोई भी जगह जिसको बहुत ही कम लोग जानते हो उसको हम बोलते हैं लिटिल नोन प्लेस। क्राउडेड और कंजेस्टेड, ये तो पता ही है, जहाँ बहुत ज़्यादा लोग इकट्ठे हो, क्राउडेड प्लेस। देन यू आर फैसिनेटिंग, इट मीन्स इंटरेस्टिंग, और इंटरेस्टिंग की जगह आप फैसिनेटिंग भी बोल सकते हो, और एक और वर्ड होता है रिवर्टिंग, आप रिवर्टिंग भी बोल सकते हो। लेटर ऑन पिक्चर्स क्यू, विच मीन्स यूनिक। हसल एंड बसल मीन्स नॉइजी, बहुत ही अच्छा वर्ड है ये हसल एंड बसल। उसके बाद है मस्मराइजिंग, मस्मराइजिंग क्या होता है, कोई ऐसी जगह जो हमारा अटेंशन ले ले, हमारा सारा ध्यान सिर्फ अपनी तरफ ले ले। उसके बाद है एशियंट मीन्स पुरानी जगह, कंटेम्प्रेरी मीन्स मॉडर्न, लेटर ऑन कम्पैक्ट मीन्स बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं होगी कोई भी बिल्डिंग और कोई भी प्लेस। टूरिस्ट्री, इट मीन्स कोई भी ऐसी जगह जहाँ पे बहुत ज़्यादा टूरिस्ट जाते होंगे। लेटर ऑन एक वर्ड होता है हमारे पास कॉस्मोपॉलिटन, कॉस्मोपॉलिटन हमारे पास क्या होता है, ऐसी जगह जहाँ पे हमारे पास सारे कल्चर्स के बारे में प्लेस होते हैं, मीन्स कि जहाँ पे सारे कल्चर्स को डिपिक्ट किया जाता है, नॉट ओनली पंजाबी कल्चर, हिंदू कल्चर और चाइनीज, इंग्लिश, एनी कल्चर, मीन्स वहाँ पे हमारे पास मिक्स्ड फॉर्म होती है ऑफ ऑल द कल्चर्स। ये भी काफ़ी अच्छा वर्ड है। नाउ अब हम इन वर्ड्स को देखते हैं किस तरीके से हम अपने क्यू कार्ड में यूज करेंगे। सो आर क्यू कार्ड इज डिस्क्राइब अ टाइम यू विजिटेड अ न्यू प्लेस, कोई ऐसा टाइम बताओ जब आप एक न्यू जगह गए। सो सी, एज आई सेड अर्लियर, कभी भी हमने क्यू कार्ड पे डायरेक्टली जंप नहीं करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, एक जर्नल लाइन बनानी है। सो इसमें भी हम जर्नल लाइन बनाएंगे, क्या बना सकते हैं, अब देखो इसमें है कि कोई ऐसा टाइम बताओ जब आप न्यू प्लेस पे गए, तो हम उसमें क्या बोल सकते हैं कि हम बहुत सारी जगह घूमा हुआ हूँ बट एक ऐसी जगह है जो मेरे को अभी भी याद है। वेल, आई हैव ट्रेवल्ड अ लॉट ऑफ प्लेसेस इन माय लाइफ बट द प्लेस वेयर आई वेंट रिसेंटली इज वाज रियली वेरी इंटरेस्टिंग। सो नाउ आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट दैट प्लेस वेयर आई विजिटेड ऑन माय लास्ट वेकेशन। पहले आपने जर्नल लाइन बोल दी एंड दैट द नेम ऑफ दैट प्लेस इज हिमाचल प्रदेश, अब आपने हिमाचल प्रदेश बोल दिया। अब वेयर द न्यू प्लेस वॉज, कहाँ पे थी, हिमाचल प्रदेश आपने मेंशन कर दिया। व्हाई यू वेंट, क्यों गए, अब हमने रीजन लिखना है। फर्स्ट रीजन हम लिख देते हैं कि हाँ हमें वेकेशन थी, छुट्टियां पड़ी हुई थी तो हम गए। सेकेंडली, मेरे फ्रेंड्स गए हुए थे, उन्होंने मेरे को पिक्स दिखाई अपनी कि हाँ हम हिमाचल गए थे, और मैं पिक्स देख के बहुत इम्प्रेस हो गया और मैंने भी प्लान बना लिया चलो हम भी हिमाचल चलते हैं। दो रीजंस हो गए, आई थिंक इनफ है। लेटर ऑन व्हेन यू वेंट देयर, कब गए, ऑलरेडी आप मेंशन कर चुके हो कि हम वेकेशंस पे गए थे। सो हाउ यू फेल्ट, कैसा लगा, पूरी चीज़ों को बता दोगे। नाउ द थिंग इज, आप सोचोगे मैम ने तो सिर्फ 50 सेकेंड्स में क्यू कार्ड को ख़त्म कर दिया, तो अब हमें इस वीडियो में बताना था कि 2 मिनट्स हमने कैसे बोलना है। सो सी, अगर आप इतने से पॉइंट्स लेके चलोगे कि हाँ यहाँ गया इसलिए रीज़न है, तो डेफिनेटली आप सिर्फ 50 सेकेंड्स और 1 मिनट में स्टिक रह जाओगे। सो हमने क्या करना है, हम इस पर थोड़ी सी प्लेसेस को डिस्क्राइब कर देंगे। लेट्स ट्राई, सबसे पहले हमने जर्नल लाइन तो बनाई दी थी, दैट वेल आई हैड ट्रेवल्ड अ लॉट ऑफ प्लेसेस इन माई एंटायर लाइफ बट टूडे आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट वन सच प्लेस वेयर आई विजिटेड रिसेंटली विद माई फ्रेंड्स एंड दैट वॉज हिमाचल प्रदेश। एक्चुअली एट दैट टाइम आई हैव नो प्लान टू गो एनी वेयर बट माई फ्रेंड्स वर शोइंग मी अ लॉट ऑफ पिक्चर्स वेन दे विजिटेड और वेन दे वेंट टू हिमाचल प्रदेश। That place was really mesmerizing place. Mesmerizing हमने vocabulary words में पढ़ा था, ऐसी place जो हमारा attention ले लेती है।
and even I cannot resist myself to make a plan and to go Himachal Pradesh. So later on, me and my friends decided that we will also go to that place and we will enjoy the pictures cube, enjoy that pictures cube place. लेटर ऑन अब आपने बोल दिया कि हमने प्लान बनाया, ठीक है, अब आप कब गए? सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिसाइडेड दैट वी विल गो बाय आवर कार एंड लेटर ऑन वी डिसाइडेड नो, इट्स नॉट अ गुड आइडिया. आई थिंक वी शुड, आई थॉट दैट वी शुड ट्रेवल बाय आवर बुलेट्स एज वी वॉन्ट टू एंजॉय दैट पिक्चर्स क्यू प्लेस. अब आपने ये चीज बोल दी. लेटर ऑन यू कैन से दैट वाई यू वेंट देयर, क्यों गए? अब आपने पहली रीजन बता दिया, फ्रेंड्स थे, ये वो. अब आप बोल दो, there I saw a lot of places and definitely I will say that was an amazing or we can say extraordinary place. Firstly, I visited to Kangra, which is very beautiful. Even it is the main attraction of Himachal Pradesh. I went there and I ate Kangri Dham, which is the most prominent food of that place. That was really mouth-watering or you can say finger-licking. I cannot resist myself from eating a lot of food. अब आपने ये बोल दिया, कांगड़ा को एक्सप्लेन कर दिया. Now let's begin to next place. कि हम next day कौन सी place पे चले गए? शिमला चले गए. There I also went to some other places such as Mall Road and all that. वहाँ पे थोड़ी सी explanation दे दी. फिर आगे आप क्या बोल सकते हो कि मैं अपने friends के साथ वहाँ बहुत ज़्यादा pictures क्लिक की. Even एक ऐसी चीज़ थी जिसने मेरे को बहुत ज़्यादा attract किया and जिसने मेरे को impress किया, मेरे tour को और ज़्यादा अच्छा बनाया, कि जिस होटल में मैं रह रहा था वहाँ पे एक बहुत ही प्रोमिनेंट सिंगर आया हुआ था, करण औजला, और जो मेरा बहुत ही फेवरेट है. सो मैं उसके पास गया, मिला मैं उससे, मैंने बहुत ज़्यादा फोटोग्राफ्स क्लिक की, उसका इवन ऑटोग्राफ भी लिया. इट वॉज अ रेड लेटर डे फॉर मी. रेड लेटर डे मीन्स मेमोरेबल डे फॉर मी. और उसके बाद आप थोड़ी सी प्लेसेस को आपने डिस्क्राइब कर दिया, फूड को भी कर दिया, आपने डे को स्पेशल भी बता दिया. उसके बाद आप कहोगे इवन सम ऑफ दैट पोस्टेड पोस्ट आर ऑल पिक्चर्स आर ऑल्सो पोस्टेड ऑन माई इंस्टाग्राम साइट एंड इवन आई कैन से दैट पिक्चर्स वर द फर्स्ट ऑन विच आई गट 500 लाइक्स. कि वो ऐसी पिक्चर्स थी जिसपे मेरे को 500 लाइक्स मिले. सो इट मीन्स आई वॉन्ट टू से दैट कभी भी अगर आप अपने एक क्यू कार्ड को एग्जैक्ट बुलेट पॉइंट्स के साथ लेके चलोगे कि मैंने इन्हीं पॉइंट्स को सिर्फ इस तरीके से एक्सप्लेन करना है, तो कभी भी आप इस टॉपिक को 2 मिनट्स नहीं बोल सकते हो. अपनी जो थोड़ा कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो ज़्यादा करो. कि मैं गया, क्यों गया, उसको एक्सप्लेन कर दिया, कौन कौन सी जगह देखी, थोड़ा सा फूड एक्सप्लेन कर दिया. उसके बाद मेरे और भी ज़्यादा अच्छी मेमोरेबल डे बन गया, होटल में मेरे को करण औजला मिल गया. इट मीन्स कि अपनी जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है ना, उसको ऐसा रखो कि मैं अपने पॉइंट्स को ऐड कर सकूं. होप सो आपको बहुत अच्छे से ये समझ आ गया होगा अलॉन्ग विद थोड़े से ईडियम्स जो हमने पहले किए थे. एंड आई विल सी कि कौन से बच्चे हमारी वीडियोज़ देख रहे हैं. राइट ईडियम्स जो हैं वो मुझे जल्दी से कमेंट करो एंड आई विल डेफिनेटली चेक कि क्या आप राइट ईडियम्स यूज़ कर रहे हो और नहीं कर रहे हो. और जो ईडियम्स गलत होंगे वो मैं अपने आप करेक्ट करूँगी एंड आई विल टेल यू कि किस तरीके से उनको ठीक करना है या फिर उनकी राइट यूसेज करनी है. सो जब भी आपको क्यू कार्ड आता है प्लेसेस के बारे में, थोड़े बहुत वर्ड्स रट लो, मस्मराइजिंग, पिक्चर्स क्यू, ऑल दैट वर्ड्स, दैट प्लेस वॉज हसल एंड बसल, ये सब वर्ड्स यूज़ करो. और यूज़ करो कि मैं कैसे गया, सबसे पहले अपने व्हीकल के बारे में बता दो, सेकंड बता दो किसके साथ गए, होटल में रहे, क्या खाना खाया, कैसे आपका डे था. किसी भी सिंगर को इंक्लूड कर दो कि वो सिंगर उस होटल में आया था जिसने मेरे दिन को और अच्छा बना दिया. बहुत ही ईजी था ये 2 मिनट क्यू कार्ड बोलना. सो होप्स आपको वीडियो पसंद आई होगी. और हम नेक्स्ट टॉपिक जो करेंगे वो हमारा फॉलोअप्स के ऊपर होगा कि अपनी फॉलोअप्स की लेंथ को किस तरीके से इंक्रीज कर सकते हो. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. होप सो यू लाइक इट. अगर पसंद आई वीडियो तो जस्ट डू वन थिंग, लाइक, कमेंट एंड शेयर. हैव अ नाइस डे.